राजनांदगांव जिले में बीते दिन सुने मकान में चोरी करने वाले एक युवक को लालबाग पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही आरोपी से लगभग 1.25 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए गए हैं। इसी को लेकर टीआई नवरत्न कश्यप ने बताया कि लालबाग थाना क्षेत्र की एक महिला अपने घर को ताला लगाकर 22 नवंबर को शादी में गई हुई थी। वहीं जब वह वापस आई, घर का सामान बिखरा मिला, जिसके बाद महिला ने थाने में आकर चोरी की घटना की जानकारी दी। चोरी की शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की और जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाईस तारीख को प्रार्थी थाना आज इलाका रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके मकान से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घर का ताला तोड़ करके चोरी करके ले गया है, जिसमें सोने चांदी और कुछ नकदी रकम है, जिस पर अपराध पंजीकर बेचने में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शनानुसार कार्रवाई करते हुए साइबर की टीम और थाना लालबाग की पुलिस टीम के द्वारा वीडियो फुटेज और उसके घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर संदिग्ध आरोपी का पता तलाश किया गया, जो कल दिनांक को उक्त आरोपी मिला, जिससे पूछताछ करने पर उक्त अपराध को घटित करना कबूल करने और उस प्रकरण में तथा इसके पूर्व कुल्लू बंजारी चिचोला के पास जो गांव है और कोकोड़ी महाराष्ट्र के गांव में चोरी करना पता है, जो तीनों मामले में अपने साथी के साथ चोरी करना बताए और उक्त तीनों मामले के जेवरात उस आरोपी से इसके हिस्से का जब्त किया गया और घटना में प्रयुक्त बाइक को जब्त कर विधिवत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया।